Hello, hi, welcome everyone. Good evening to the channel. Today is 5th of December and we are going to discuss another important editorial with you. The editorial that we have over here is related to GS3 and it talks about soil. It's all about soil. इसके हिसाब से अगर हमने soil को अभी save नहीं किया, if we did not save the soil right now, पूरी दुनिया भुखमरी से बहुत जल्द मर जाएगी. Which means इस editorial में हम soil management के बारे में पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे जो ये author हैं, ये officers in charge हैं food and agriculture organizations के लिए और representations from India हैं. इनका नाम है कॉन्डर रेड्डी चावा एंड ये जो points कह रहे हैं वो हमारे लिए बेहद important है. वो इसलिए important है क्योंकि ये soil conservation का एक नया मुद्दा पूरी दुनिया के सामने आ रहा है. तो आज के इस editorial में हम देखेंगे सबसे पहले soil management, why it is necessary, क्या क्या factors हैं जो soil quality को affect करते हैं और World Soil Day के ऊपर. Followed by हम देखेंगे कि healthy soils किस तरीके से essential है हमारे survival के लिए और कुछ interesting data हमारे सामने आएगा जहाँ पे हम 3.7 million hectares जो land mass है वो suffer करता है nutrient in soil deficiency से. ऐसी बहुत सारे interesting data है हमारे सामने, जैसे कि भारत में 29% India का total geographical area जो भी है under cultivation उसमें soil degradation है. तो यहाँ पे सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर भी सब्सटैंशियल फैक्ट्स हम देखेंगे. फर्दर हम बात करेंगे कि क्या क्या है जो कि नेचुरल फैक्टर्स है सॉइल न्यूट्रिएंट लॉस के लिए और किस तरीके से वो खतरा है अर्थ के कुछ फैक्टर्स में, और साथ में इंडिया की सॉइल कंजर्वेशन पॉलिसी फॉलोड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रेस्पेक्टिव स्कीम्स जो भी अभी तक आई हैं विद इन रिगार्ड्स टू सॉइल कंजर्वेशन, एंड एट लास्ट हम कंक्लूड करेंगे अपने इस टॉपिक को. तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं. ये वीडियो को हम ब्रीफ रखेंगे. पहले आपको एडिटोरियल के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें बता देते हैं. जैसे इस ऑथर ने जैसे स्टार्ट किया है, इन्होंने कहा है कि हेल्दी सॉइल्स हमारे सर्वाइवल के लिए एसेंशियल हैं. क्यों? क्योंकि वो सपोर्ट करती हैं हेल्दी प्लांट ग्रोथ और हमारे न्यूट्रिशन को और वाटर परकुलेशन टू मेंटेन ग्राउंड वाटर लेवल्स, यानी कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज में भी हेल्प करती हैं. और प्लैनेट का जो क्लाइमेट है वो भी किस पर डिपेंडेंट है? सॉइल पर डिपेंडेंट है. और सेकेंड लार्जेस्ट कार्बन सिंक आफ्टर द ओशंस, ये जो पॉइंट्स इन्होंने बोले अपने इंट्रोडक्शन में वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इम्पैक्ट ऑफ ड्रॉट्स एंड फ्लड्स यानी सूखा और बाढ़ से होने वाले इम्पैक्ट्स को भी कम कर देती हैं और ये फूड सिस्टम्स का बेसिस है. ठीक है, इसीलिए सॉइल हेल्थ कह रहे हैं हेल्दी फूड प्रोडक्शन के लिए क्रिटिकल है. और यहाँ पे इसके बाद ऑथर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो इम्प्लीमेंटिंग 5-pronged स्ट्रैटेजी के बारे में बताया है फॉर सॉइल कंजर्वेशन, और ये कहा पहले कि किसानों को पहले इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती थी, किस तरह की सॉइल है, सॉइल में कमियां क्या हैं, सॉइल मॉइस्चर का कंटेंट क्या है. और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम निकाली. तो यहाँ पे इस तरह के फैक्टर्स हमें देखने को मिलेंगे. साथ में ये देखिए, एक जो हमारे लिए क्रक्स पॉइंट है वो ये है कि सॉइल डिग्रेडेशन का इररिपेरेबल कंसिक्वेंस हो सकता है ह्यूमन एंड इकोसिस्टम हेल्थ पे. सिर्फ ह्यूमन हेल्थ नहीं है, पूरे इकोसिस्टम की हेल्थ है. तो ये कुछ हमें पॉइंट्स मिल गए अपने नोट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जहां से हम समझ सकते हैं कि ये पूरा टॉपिक किस बारे में बात कर रहा है. ठीक है, और ऑथर ने यहाँ पे कंक्लूड करते हुए कहा है कि हमें जरूरत है कम्युनिकेशन को स्ट्रेंथन करने की एकेडमिया, पॉलिसी मेकर, सोसाइटी फॉर आइडेंटिफिकेशन, मैनेजमेंट एंड रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड सॉइल्स, और इसमें हमें एंटिसिपेटरी मेजर्स को भी अडॉप्ट करने की जरूरत है. एविडेंस बेस्ड इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है और ग्रेटर कोऑपरेशन चाहिए. किसके द्वारा? पार्टनरशिप्स आर सेंट्रल टू एंश्योर नॉलेज शेयरिंग, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस एंड यूनिवर्सल एक्सेस टू क्लीन एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज, लीविंग नो वन बिहाइंड, अंत्योदय. ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा ये पूरा टॉपिक जो है हमारे लिए यहाँ पे समराइज होते हुए. अब हम फैक्ट्स के ऊपर पॉइंट बाय पॉइंट चलते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट डिस्कस करते हैं. सॉइल मैनेजमेंट की बात करते हैं. सॉइल मैनेजमेंट क्यों जरूरी है? व्हाई इट इज नेसेसरी? क्योंकि पुअर सॉइल मैनेजमेंट से फूड इनसिक्योरिटी हो सकती है. क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल की क्वालिटी को अफेक्ट करते हैं? उसका मॉइस्चर, उसमें सॉइल ऑर्गेनिक कंटेंट कितना है, रेनफॉल कैसी है, इस तरह की चीजें होती हैं. तो ये सब अंडर वर्ल्ड सॉइल डे ऑब्जर्व किया जाता है जो कि 5 दिसंबर को मनाया जाता है. इस बार की थीम है सॉइल वेयर फूड बिगिंस. ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसी आधार पर अपनी 5-point स्ट्रैटेजी फॉर सॉइल कंजर्वेशन डिस्कस करी है. तो हेल्दी सॉइल एसेंशियल क्यों है? हेल्दी सॉइल एसेंशियल इसलिए है क्योंकि अगर सॉइल हेल्दी नहीं रहेगी तो सॉइल न्यूट्रिएंट लॉस होगा.
सोइल न्यूट्रिएंट ड्रॉट होने से आपका न्यूट्रिशन कमजोर होगा, ग्लोबली फूड सिक्योरिटी का चैलेंज आ जाएगा, इसीलिए हेल्दी सॉइल एसेंशियल है। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल की हेल्थ को डिग्रेड कर रहे हैं? सबसे पहले ऑथर कहता है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज आर द प्राइमरी फैक्टर्स, फॉलोड बाय माइनिंग एक्टिविटीज, इम्प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन ऑफ वेस्ट ट्रीटमेंट, फॉसिल फ्यूल्स का एक्सट्रैक्शन, उनका ट्रांसपोर्टेशन और एग्रीकल्चर भी, यूज ऑफ एक्सेसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड ऑल, और ट्रांसपोर्ट एमिशंस, ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं जो कि सॉइल में एंथ्रोपोजेनिक हम कह सकते हैं, ह्यूमन इंड्यूस फैक्टर्स। और ये बेसिकली किस में रिजल्ट करता है? डिप्लीशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में, आई मीन इट इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ, इट इज अ डिप्लीशन ऑफ सॉइल ऑर्गेनिक मैटर इज अ डायरेक्ट आउटकम ऑफ पुअर सॉइल मैनेजमेंट, और यू कैन से सॉइल डिग्रेडेशन, जो कि सॉइल क्वालिटी डिटरमाइन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम इंपॉर्टेंट डेटा हमने आपको पहले भी बताया था, नियरली 3.7 मिलियन हेक्टेयर्स सफर फ्रॉम न्यूट्रिएंट लॉस इन सॉइल एंड दिस इज दैट सिग्निफिकेंट। तो क्या होता है सॉइल ऑर्गेनिक मैटर? अब सॉइल ऑर्गेनिक मैटर को अगर आपको समझना है तो आप ये देखिए कि बेसिकली वो कॉम्पोनेंट है ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट। कैसा कॉम्पोनेंट है? ऑर्गेनिक, यानी कि प्लांट एनिमल के जो रेसिड्यूज हैं, डेट्राइटस जो है, वो अलग अलग स्टेजेस ऑफ डिकम्पोजिशन में रहता है, वो उसका पार्ट होता है। सॉइल माइक्रोब्स के सेल्स और टिश्यूज होते हैं, और वो सारे सब्सटेंसेस जो कि सॉइल माइक्रोब सिंथेसाइज करें, ये सब सॉइल ऑर्गेनिक मैटर में होता है। तो सॉइल ऑर्गेनिक मैटर क्यों एडवांटेज है, क्या होता है फायदा इससे? देखिए, सॉइल का जो स्ट्रक्चर है वो प्रॉपर रखता है, उसकी न्यूट्रिएंट पोटेंशियल को स्ट्रांग रखता है, पॉलिटेंट्स के रिटेंशन में और उनके एब्जॉर्प्शन में मदद करता है, साथ ही साथ प्लांट के न्यूट्रिएंट्स हमेशा रिसाइकल होते रहते हैं और स्टोर होते रहते हैं कलेक्टिवली। ठीक है, और अगर सॉइल ऑर्गेनिक मैटर नहीं रहेगा तो सॉइल का फंक्शन इफेक्ट होगा क्रिटिकली, और सॉइल की क्वालिटी इफेक्ट होगी क्रिटिकली। तो ये हमारे लिए बुलेट पॉइंट सामने हमारे लिए आ रहे हैं। तो हमने ये बता दिया कि सॉइल ऑर्गेनिक मैटर का बुरा प्रभाव सॉइल फंक्शन, सॉइल क्वालिटी पे पड़ता है। और ये होता क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट होता है प्लांट एनिमल डेट्राइटस का अलग अलग स्टेजेस ऑफ कंपोजिशन में, और सॉइल माइक्रोब्स के जो सेल्स और टिश्यूज हैं, और वो भी सब्सटेंसेस जो सॉइल माइक्रोब सिंथेसाइज करते हैं। इनके एडवांटेजेस हमने देख लिए कि सॉइल स्ट्रक्चर इंप्रूव होता है, एब्जॉर्प्शन और रिटेंशन ऑफ पॉलिटेंट्स होता है, और प्लांट न्यूट्रिएंट्स जो है लगातार साइकिल और स्टोर होते रहते हैं। तो सॉइल न्यूट्रिएंट लॉस में अगर हम बात करें तो हमने एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर्स तो देख ही लिए थे यहाँ पे, जहां पे हमने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, माइनिंग, वेस्ट ट्रीटमेंट देखा था। अब हम आ जाते हैं कि ये सॉइल न्यूट्रिएंट लॉस के नेचुरल फैक्टर्स क्या हैं। तो नेचुरल फैक्टर्स में सबसे पहला इंपॉर्टेंट सॉइल इरोजन, सरफेस वाटर रन ऑफ, लीचिंग, बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, ये सारे नेचुरल फैक्टर्स हैं। देखिए, क्रॉप रेसिड्यू के बर्न करने से भी सॉइल क्वालिटी इफेक्ट होती है, और ये किसको थ्रेटन करते हैं ये सारे फैक्टर्स? ये एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित कर सकते हैं। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन जब आपको इन सीतु करना हो, उसी ज्योग्राफिकल एरिया में करना हो, उसको इफेक्ट कर सकते हैं। ये वाटर क्वालिटी को इफेक्ट कर सकते हैं, और ये उन सभी लोगों की सोशो इकोनॉमिक वेलबींग को इफेक्ट कर सकते हैं जो कि डिपेंडेंट है सॉइल पे। तो यहाँ पे एक डिस्टर्बिंग डेटा है कि सॉइल डिग्रेडेशन भारत के 29% ऑफ इंडिया टोटल लैंड एरिया को इफेक्ट करता है, इसीलिए इंडिया को इसको कंजर्व करने की जरूरत है। तो हमारी जो सॉइल कंजर्वेशन पॉलिसी है उसमें हम सबसे पहले सॉइल को केमिकल फ्री करेंगे, ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग प्रमोट करेंगे, सॉइल बायोडायवर्सिटी को हमें सेव करने की जरूरत है, और सॉइल ऑर्गेनिक मैटर यानी सॉम को इन्हांस करना है, सॉइल मॉइस्चर को मेंटेन करना है, सॉइल इरोजन और सॉइल डिग्रेडेशन को मिनिमाइज करना है। तो ये हमारे 5 स्ट्रैटेजीज हैं। कैसे करते हैं? तो सरकार ने 2015 में सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम निकाली, जिसमें कि इंफॉर्मेशन अबाउट सॉइल क्वालिटी दिया जाएगा फार्मर्स को। ठीक है, एक तरह का प्रिडिक्टेबल AI बेस्ड असेसमेंट है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना है जो कि सॉइल इरोजन प्रिवेंट करेगी, नेचुरल वेजिटेशन को रीजनरेट करेगी, रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसका पार्ट है, और ग्राउंड वाटर टेबल का रिचार्ज, ये सब कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत आता है। उसी तरीके से नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, जिसमें ऑर्गेनिक फार्मिंग और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करना है, और गवर्नमेंट जो है अभी फोरकास्टिंग टूल्स डेवलप करने की प्लान कर रही है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने, NRAA यानी नेशनल रेनफॉल एरिया अथॉरिटी के साथ पार्टनरशिप करी है, जो कि फार्मर्स को क्रॉप चॉइसेस डिसाइड करने में हेल्प करेगा और हमारी फूड प्रोडक्शन जो है वो बढ़ेगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट और फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंप्लीमेंट किया जा रहा है, सपोर्ट किया जा रहा है, इसमें कर रहे हैं कि रेजिलिएंट प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करेंगे और ऑन फार्म लाइवलीहुड्स को प्रमोट करेंगे, फॉलोड बाय ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन होगा हर सॉइल का। यहाँ पे आंध्र प्रदेश ने भी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के साथ
और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ सस्टेनेबल ट्रांजिशन और ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए पार्टनरशिप करी है। तो ये हो गए गवर्नमेंट के कुछ सपोर्ट। लास्ट मॉथर कहता है कि सिटीजन और कम्युनिटी सेंट्रिक इनिशिएटिव जो है विल गो अ लॉन्ग वे, क्योंकि सिर्फ सबको सरकार नहीं कर सकती, क्योंकि इसमें सभी स्टेक होल्डर्स हैं। सोयल क्वालिटी जाएगी तो सभी के लिए नुकसान है। तो आम आदमी क्या कर सकता है, घर पे आप पौधारोपण करिए, पेड़ ज्यादा से ज्यादा लगाइए, घर में किचन गार्डन जो है उनको बढ़ाइए और सीजनल और लोकल फूड को ज्यादा प्रेफर करिए। तो यहाँ पे ऑथर ने हमको GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बता दिया है कि सॉइल कंजर्वेशन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। और ऑथर का ये जो टाइटल है पुअर सॉइल मैनेजमेंट विल इरोड फूड सिक्योरिटी, यहां से हम समझ सकते हैं। सो दिस वॉज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टूडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आई सी यू इन द नेक्स्ट।